सवेरा टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ रोहित महाजन। तो अज तो 2 महीने पहला सीएम पंजाब चरणजीत चन्नी जी ने दीनानगर के एक अनाउंसमेंट की थी दुरंगला सब तहसील बनाने की, और उसनू अज अमलीजामा पहनाते हुए कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी जी जिन्हों के प्रयास के नाल यह सब सफल हो सकया, और अज गुरदास दुरंगला के मौजूद ने, और इसकी जी अज है नींव पत्थर जोड़ा सब तहसील का अज रख्या गया। गलबात करते हैं मैडम कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी जी, सब तो पहले स्वागत है मैम तुहाडा। थैंक यू, थैंक यू मैम। जिहड़ा अज दा प्रोग्राम सीगा रख्या गया सी, सीएम साहब ने जिस तरीके नाल अनाउंस कीता सी, और तुहाडा बहुत वड्डा रोल लिया इस प्रोजेक्ट नूं इत्थे लियाउण दे विच, इस बारे की कहना चाहोगे? इस तरह है कि सरदार चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब सरकार ने हल की लोगों की दहाकियां तो चली आ रही समस्या। मेरा घर मेरे नाम स्कीम के तहत लाल लकीर के अंदर आने वाले घर के लोगों नूं मिलिया मालकी हक। शहर के जो लाल लेन के अंदर रेंदे उन्होंने जगह उन्होंने नाम नहीं है। बैंक तो पैसे चाहिए है, बैंक वाले कहते जी रजिस्ट्री लेके आओ, थोड़े नौ जायदाद क्या है, जायदाद तो अपना घर भी नाम नहीं है। सो ऐसी स्कीम लेके आए है कि मेरा घर मेरे नाम, जिन्हें पिंड लाल लैन के अंदर घर है सारे थोड़े अपने नाम कर देने हैं। उसकी स्कीम शुरू कर रहे अज असी कि मेरा घर मेरे नाम लाल लैन के अंदर के जिन्हें मकान है उन्होंने ड्रोन के नाल नक्शे बना के जिथे जिथे तुम काबज हो तहसीलदार एस डी एम ऑर्डर करते हैं 3 महीने दे विच ऐसी पूरे पंजाब दे विच थोड़ियां घरां दियां रिश्तियां बना के थोनूं दे देनी। पिंडां ते शहरां च लाल डोरे अंदर रहिंदे वसनीक बने अपनियां जायदादां दे मालक। पंजाब सरकार काम बेमिसाल, पंजाब सरकार लोकां दी सरकार। दीनानगर आए सी तो इत्थे मैं देखा कि इन लोगों नू जड़ा दीनानगर बहुत दूर पैदा है, सो उन्होंने सहूलत देने वास्ते कि उन्होंने काम इतने घर बैठे ही उन्होंने हो जाए। साड़े मेरे माइंड सीगा कि इन्हों सब तहसील बनाया जाए ताकि नायब तहसीलदार इत्थे बैठेंगे तो उन्होंने ज़्यादा सौखा हो जाएगा काम करना। सो इस चीज़ को मुख्य देखते हुए इन्हों की लोगों की मुश्किलों देखते हुए ये फैसला लिया गया, और चन्नी साहब ने अनाउंस भी किया इत्थे, और खुशकिस्मती नाल महकमा मेरे कोल सी ते मैनूं पता सी कि मैं काम बहुत जल्दी करवा लूँगी। सो आज बड़ी खुशी है कि इहदे पैसे भी रिलीज़ हो गए ने बिल्डिंग वास्ते 2,36,00,000 रुपया। अज असीं उहदा फाउंडेशन स्टोन भी रख्या, और नायब तहसीलदार अभिषेक वर्मा जी इत्थे ट्यूजडे और थर्सडे नूं 2 दिन हफ्ते च इत्थे रहणगे, और इत्थों दे लोकां दीआं जिहड़ियां वी मुश्किलां ने इत्थे बैठ के हल होणगीआं। लोकां नूं दीनानगर तक भी जाण दी जरूरत नहीं रहेगी। सो एक मैं समझदी हां कि बहुत वड्डा उपराला कीता गया लोगों के वास्ते। सो अज का दिन समर्पित है लोगों नूं, और सारियां नूं मैं बहुत बहुत मुबारकबाद। मैम जिहड़े करीब 90 दे करीब जिहड़े पिंड है, बहुजन ने इस तरह दस्सिया सीगा कि इन्हां नूं जिहड़ा बेनीफिट इसका मिलेगा, और वर्किंग जिहड़ा कदों तो शुरू हो रहा है इसका? वर्किंग होगी अज तो शुरू, वर्किंग अज तो उसकी स्टार्ट हो रही है, और आने वाले दिनों के होर भी जिहड़े अजिहे कुछ प्रोजेक्ट्स तुसीं इत्थे लिया रहे हो, क्योंकि तुहाडी जिहड़ी मेन जिहड़ी इस एरिया नूं तुसीं रेनोवेट कर रहे हो, और काफ़ी बॉर्डर एरिया होने के कारण जिहड़े इत्थे लोग काफ़ी समस्यावां जिन्हां नूं झेलनी पैंदियां सी, इस नाल भी निजात मिलेगी। होर भी कुछ प्रोजेक्ट तुसीं लिया रहे हो? देखो नवे प्रोजेक्ट्स तो होर कोई नहीं है, क्योंकि थोड़े दिनों तक तुहानूं भी पता इलेक्शन कोड लग जाएगा तो वर्केबल अगर नहीं होणगे तो उहदा कोई फायदा नहीं है। मैं वैसे भी वो चीज़ पहले अनाउंस नहीं करती जरा मैं पूरी ना कर सकां, सो मैं इंस्टेड फाउंडेशन स्टोन तो बजाए मैं इनोग्रेट करना ज़्यादा मुनासिब समझदी हाँ। पर मैनूं पता है क्योंकि ये काम शुरू है, और हुण मौके ते असीं डिसाइड कीता या पैसे भी रिलीज़ हो गए ने, सो ये प्रोजेक्ट जिहड़ा ये ते कंप्लीट के बहुत वड्डा उपराला कीता गया लोगों के वास्ते। सो अज का दिन समर्पित है लोगों नूं, और सारियां नूं मैं बहुत बहुत मुबारकबाद। मैम जिहड़े करीब 90 दे करीब जिहड़े पिंड है, बहुज ने इस तरह दस्सिया सीगा कि इन्हां नूं जिहड़ा बेनीफिट इसका मिलेगा, और वर्किंग जिहड़ा कदों तो शुरू हो रहा है इसका? वर्किंग होगी अज तो शुरू, वर्किंग अज तो उसकी स्टार्ट हो रही है, और आने वाले दिनों के होर भी जिहड़े अजिहे कुछ प्रोजेक्ट्स तुसीं इत्थे लिया रहे हो, क्योंकि तुहाडी जिहड़ी मेन जिहड़ी इस एरिया नूं तुसीं रेनोवेट कर रहे हो, और काफ़ी बॉर्डर एरिया होने के कारण जिहड़े इत्थे लोग काफ़ी समस्यावां जिन्हां नूं झेलनी पैंदी सी, इस नाल भी निजात मिलेगी। होर भी कुछ प्रोजेक्ट तुसीं लिया रहे हो?
देखो नवे प्रोजेक्ट्स से होर कोई नहीं है क्योंकि थोड़े दिनों तक तुहानू भी पता इलेक्शन कोड लग जाएगा तो वर्केबल अगर नहीं होणगे तो उहदा कोई फायदा नहीं है। मैं वैसे भी वो चीज़ पहले अनाउंस नहीं करती जरा मैं पूरी ना कर सका। सो मैं इंस्टेड फाउंडेशन स्टोन तो बजाए मैं इनोग्रेट करना ज़्यादा मुनासिब समझदी हाँ, पर मैं पता है क्योंकि ये काम शुरू है और हुण मौके पर असी डिसाइड किया या पैसे भी रिलीज़ हो गए ने। सो ये प्रोजेक्ट जरा ये तो कंप्लीट हो जाएगा 6 महीने के बीच जी। बाकी प्रोजेक्ट्स जिन्हें ने असी 5 साल के लगे हुए हैं हूँ तो नीयर कंप्लीशन है हूँ तो थोड़े दिन रह गए ने और असी सारे सड़कों का जाल है जरा दीनानगर च बिछा दिता है और जिदियाँ जी वाइडनिंग सड़कों की वाइडनिंग का काम से वह भी शुरू हो गया है और बहुत जल्द ये कंप्लीट हो जाएगा और मैनू नहीं लगता कि कोई भी प्रोजेक्ट दीनानगर च हूँ कोई पेंडिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम गलबात करने लिए। सो इस समय गलबात कर लेंगे साढ़े नाल तहसीलदार अभिषेक वर्मा जी मौजूद ने जो कि जिन्हों को पहले दीनानगर का चार्ज सीगा और इस दे नाल सब तहसील दुरंगला का भी इन्हों जिहड़ा चार्ज दिता गया। सर स्वागत है ताड़ा दैनिक सवेरा टीवी ते। हाँ जी थैंक यू जी। जी असी गल करते हैं सर दुरंगला कस्बा जिहड़ा जिसनों सब तहसील का दर्जा अज जिहड़ा दिता गया और इस दे नाल किन्ने पिंडां नूं जिहड़ा इसका बेनीफिट मिलेगा और किन्ने समय दे विच जिहड़ा वर्किंग शुरू हो जाएगा। अज बहुत ही खुशनसीब दिन है कि अपने मानयोग माल मंत्री पंजाब श्री अरुणा चौधरी जी ने अज 20/12/2021 इत्थे फाउंडेशन स्टोन सब तहसील दुरंगला का रखिया है तो सब तहसील दुरंगला के नाल अपने 94 विलेजेस 94 पिंडा काम जिहड़े आ लोगों इत्थों 15-16 किलोमीटर दीनानगर जाना पैंदा सी उह सारे 94 पिंडा का काम इत्थे बैठिया ही असी ट्यूजडे ते थर्सडे नूं इत्थे आया करांगे एंड लोगों के कोई भी सर्टिफिकेट हो गए एफीडेविट हो गए इत्थे बह के असी लोगों नूं जिहड़ियां सहूलतां इत्थों सहूलतां सारियां देवांगे सो दैट लोगों नूं 15-16 किलोमीटर ना ट्रैवल करना जाए। सो सर किहड़े-किहड़े काम जिहड़े इत्थे आसानी दा लोक जो अपने जिहड़े सरहदी एरिए दे लोक ने जिहड़ा दा 94 पिंडा दा जिस तरह तुसीं दस्सिया कि जिहड़े लोग दीनानगर जाया करदे सीगे कि उह ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਵੇਂ 2 ਕਾਨਗੋ ਸਰਕਲ ਨੇ 1 ਕਾਨਗੋ ਸਰਕਲ ਦੁਰੰਗਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 20-25-30 ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 60-70-40 ਪਿੰਡ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ 94 ਵਿਲੇਜਸ ਨੇ ਟੋਟਲ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਕ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੁਰੰਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਿੰਡਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਲੇਜਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਲੇਜਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਬਾਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 2 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ PWD ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਲਾ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਕਿ 4-5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਲ ਪਲਾਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਿਦਇਨ ਅ ਵੀਕਸ ਟੈਨ ਟਾਈਮਸ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫੁਟਕਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਆਫਿਸ ਦੇ A to Z ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੋਂ ਥਰਸਡੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਥਰਸਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਆ ਦੁਰੰਗਲਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਲੱਕੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਰੰਗਲਾ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਤਾ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਆ ਇੰਪਲੋਈ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੈ ਹਿੰਦ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦਾ ਚਾਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਰੰਗਲਾ ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ CM ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਰੰਗਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਮਹਾਜਨ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ।
वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट सारियां थामां तो निराश अते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो जिवें चाहोगे ओवें होएगा इट्स माय प्रॉमिस इमीडिएटली रिजल्ट ओपन चैलेंज इल्मा दे माहिर ए टू जेड समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल वशीकरण अते मुठकरनी लव मैरिज सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा पक्का काम पक्का हल 101% गारंटी अष्टाम पेपर समेत सब तो पहला काम करन दा वादा नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी घर च झगड़ा कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी झगड़ा पति पत्नी चनपन जा दुटोना मनमोहनी वशीकरण करवाओ जा तोड़वाओ रुसे नु मनाओ हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98199 37467।